Hey guys, welcome on my YouTube channel Faves of Homeopathy. So as you all know, in this YouTube channel मैं बात करती हूँ होम्योपैथी के बारे में. जो भी लोग होम्योपैथी करते हैं, लाइक जो BHMS करते हैं, उनको सेकेंड ईयर से केस टेकिंग करनी होती है. सो केस टेकिंग की शुरुआत हो जाती है और केस टेकिंग इज़ नॉट दैट मच ईजी जितना लगता है हमें कि यार बहुत ईजी होगा. सो गाइज, मैंने अभी तक एक पोर्शन कवर करवाया है, दैट इज़ दी आर्ट ऑफ केस टेकिंग बाय पियरे स्मिथ. सो यू कैन वॉच दिस वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं. पूरा सीरीज़ का नाम है आर्ट ऑफ केस टेकिंग बाय पियरे स्मिथ. तो इसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं इन द केस टेकिंग. गुड मॉर्निंग सरफराज. सो ऐसे ही मैंने कल का एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि अगर यू आर अ बिगनर कि केस टेकिंग कैसे ली जाती है होम्योपैथी में, तो उसके बारे में हमने बात की थी. लाइक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेम, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, हमने इन सब के बारे में बात की थी. आफ्टर दैट हमें जनरलिटीज़ कैसे लेनी है, सेंसिटिविटी कैसे लेनी है पेशेंट से, हमने ये सब डिस्कस किया था. ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे माइंड एंड लाइफ सिचुएशंस के बारे में, लाइक हम किस तरीके से मेंटल सिम्टम्स को ले सकते हैं. आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो? बिकॉज बहुत सारे लोगों को मेंटल सिम्टम्स लेने में बहुत दिक्कत होती है और ये चीज़ बार बार प्रैक्टिस करने से आती है. केस टेकिंग इज़ अ थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आप बार बार केस टेकिंग करते रहोगे तभी आप अच्छे से परफेक्ट हो सकते हो इन चीज़ों में. सो लेट्स स्टार्ट with the mind and life situation. Start the conversation with asking with whom they are staying presently. शुरू हमें किससे करना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम केस टेकिंग डिस्कस करते हैं. ओके सरफराज. सो सबसे पहले हमें जब पेशेंट हमारे सामने है, हमें उससे जब मेंटल सिम्टम्स लेने शुरू करने हैं, हम उसके मेंटल केस टेकिंग शुरू करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पूछना होगा कि आप किसके साथ रहते हो, प्रेजेंट में आप किसके साथ रह रहे हो, अकेले रहते हो या फिर आपकी फैमिली का कौन सा पर्सन आपके साथ रहता है. कुछ लोग बाहर जॉब करते हैं तो वो अकेले रहते हैं, कुछ लोग अपनी वाइफ के साथ अकेले रहते हैं, कुछ लोग अपनी पूरी जॉइंट फैमिली में रहते हैं. तो आपको अब पूछना है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या फिर आप अभी सिंगल हो और बाहर कहीं जॉब कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट, आस्क अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ज़रूर पूछो. जैसे कि अब ये चीज़ आप पहले परसीव भी कर सकते हो, कोई गांव का बिल्कुल पर्सन आया है जिसकी बात से आपको लग रहा है कि यार इसको नहीं आता, कि कुछ भी नहीं पता होगा इसको, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ अच्छी नहीं है, तो उससे तो हम नहीं पूछेंगे ना कि आपने क्या कर रखा है, वो हम थोड़ा सा परसीव कर लेंगे. ठीक है. बट अगर हमें कन्फ्यूजन है कि यार ये बंदा तो अच्छा खासा है बट इसने क्या किया होगा, तो हमें वो पूछना चाहिए. आस्क अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन. If not studied, ask why. अगर पढ़ाई की ही नहीं तो क्यों नहीं की. Why they didn't study or they had interest but couldn't study. हमें ये पूछना है कि आपने खुद से पढ़ाई नहीं की या फिर किसी की वजह से कोई ऐसी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आपका इंटरेस्ट था पढ़ाई में या नहीं था, ये सब चीज़ें हमें रिलेट करनी होगी. तो इससे पेशेंट थोड़ा थोड़ा आपके साथ खुलना शुरू होगा. ठीक है. तो सबसे पहले क्या पूछना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कि आप किसके साथ रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो या अकेले रहते हो, या फिर नेक्स्ट हम पूछेंगे उसकी एजुकेशन के बारे में. नेक्स्ट बात आती है कि जो पेशेंट है वो एक्सप्रेसिव है और नॉन एक्सप्रेसिव है, ये हमें जानना है. लाइक एक्सट्रोवर्ट, विवेशियस, लॉक्वासिटी, लेमेंटिंग, इंट्रोवर्ट, रिजर्व्ड, टॉक इनडिस्पोज्ड टू क्वाइट इन डिस्पोजिशन, सिक्रेटिव. ठीक है. इन सब वर्ड का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रोवर्ट मतलब आराम से खुलम खुल्ला बात कर रहा है. ठीक है. वेशियस मीन्स बहुत बातें कर रहा है, लॉक्वासिटी है, पक पक. ठीक है. इंट्रोवर्ट है, दैट मीन्स कि वो जितना पूछा चुप, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना. कुछ लोग आते हैं ना, आप क्लिनिक में एक चीज़ नोटिस करना शुरू कर दोगे कि कुछ लोग अनजान लोगों से भी बात करना शुरू कर देते हैं. एंड सम पीपल अगर चुप बैठे हैं तो चुप बैठे हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. तो दे आर लाइक इंट्रोवर्ट पर्सन्स. नेक्स्ट बात आती है रिजर्व्ड. रिजर्व्ड मतलब कि ठीक है, उनको अपने अपने से काम है, अदरवाइज उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. टॉक इन डिस्पोज्ड लाइक बातें करना पसंद है, बात कर रहे हैं. क्वाइट इन डिस्पोजिशन मतलब कि चुप बैठना ज़्यादा पसंद है. सीक्रेटिव, ये सब चीज़ें आपको जब बात करोगे तब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये पर्सन कुछ सीक्रेट्स रख रहा है क्या या मुझे पूरा पूरा बता रहा है. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं. एक्सप्रेसिव पेशेंट्स विल स्टार्ट नरेटिंग देयर कंप्लेंट्स एज सून एज दे सिट इन फ्रंट ऑफ यू. लाइक जो एक्सप्रेसिव है वो तुरंत आएगा और आपके साथ पास में बैठते ही शुरू कर देगा कि मुझे ये है ये है ये है ये है. दिस इज नोन एज द एक्सप्रेसिव. ओके, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी PDF. ओके एंड गाइज, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम के ग्रुप पे मैं PDF डाल देती हूँ रिलेटेड टू होम्योपैथी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, मेरा और भी यूट्यूब चैनल है लाइक फॉर द ऑब्सगायनी पैथोलॉजी एंड सर्जरी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो. उसके लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे. आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेसिव की बात हो गई. नेक्स्ट आता है आस्क दैम दैट कैन दे मिक्स अप इजली पीपल अराउंड देम. तो उनसे पूछो कि आपके आसपास जो लोग हैं जो नए हैं स्ट्रेंजर्स, आप उनके साथ खुद जल्दी से घुल मिल जाते हो या फिर टाइम लगता है. डू दे लव टू टॉक और इन्जॉय विथ पीपल अराउंड देम. क्या उन्हें बातें करना पसंद है या फिर उनके आसपास लोग जो हैं उनके साथ कैसा लगता है, इन्जॉय करते हो नहीं करते. लाइक अगर हम बात करें एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स की, या मैं क्विज भी रखूंगी डेफिनेटली, आई विल ट्राई. ओके और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही सोच रही हूँ क्विज रखने का, बट अभी काफ़ी कम मेंबर्स हैं. सो प्लीज़ गाइज, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, देन विल डू डेली क्विज. ओके सो अगर हम बात करें तो हमें पेशेंट से ये पूछना होगा. ओके हिमांशु, मैं ड्रग पिक्चर्स की भी वीडियोज़ बनाऊंगी, बट केस टेकिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइज. मुझे ऐसा लगता है कि केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं केस टेकिंग की वीडियोज़ बना रही हूँ. आप लोग चाहते हो तो आई विल कंटिन्यू इट विद इट, कि मैं और केस टेकिंग के जो भी वीडियोस हैं वो आपके लिए लेकर आऊँ. ठीक है, नेक्स्ट हमें उनसे पूछना है कि डू दे शेयर देयर फीलिंग्स विद एनीवन. आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कर लेते हो या फिर चुप होके बैठे रहते हो. आस्क दैम वॉट डू दे प्रेफर टू बी इन कंपनी और टू बी अलोन और वाई. ठीक है, लाइक अगर मैं अपने आप को रख के देखूँ तो आई लाइक टू बी अलोन. मुझे कंपनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे कंपनी पसंद है उन लोगों की जिनसे मेरी पटती है, लाइक जिनके साथ मैं खुश हूँ. ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों की कंपनी, मुझे पसंद है. बट अगर जिनके साथ मेरी पटी नहीं रही है, जिनके साथ मेरा कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो आई वॉन्ट कि यार मैं उससे बेटर तो अकेले ही रहूँ. ठीक है, ये चीज़ आपको पूछनी है. नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके इंटेलेक्ट एंड मोरल्स के बारे में. इंटेलेक्ट इज अ क्वालिटी विच टेल्स अबाउट द थिंकिंग कैपेसिटी, कि उस पर्सन की थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है, रीजनिंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, टू कम्प्रीहेंड एंड रिएक्ट टू पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल. कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से किस सिचुएशन के लिए रिएक्ट कर रहा है. आस्क हाउ दे वर इन देयर स्टडीज, उसने पूछा आप पढ़ाई में कैसे हो. यूज टू स्टडी ऑफ देयर ओन, या खुद से ही पढ़ रहे थे हो, या ऑलवेज समवन हैड टू बी देयर बिहाइंड देम फॉर देयर स्टडी, या फिर उनको हमेशा कोई चाहिए कि यार कोई उनको आके पढ़ाए. सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर कोई पढ़ाए तो ज़्यादा बेटर लगता है. लाइक अगर मैं खुद की बात करूँ, सो आई लाइक टू डू सेल्फ स्टडी. मुझे किसी से ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं लगता. लाइक अगर मैं बात करूँ टीचर्स की, तो टीचर्स अगर कुछ बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा है, इट इज़ वेरी गुड. बट लाइक कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की बातें हो रही है तो अच्छा लगता है. बट अगर वो पूरा बुकेश पढ़ाते हैं तो आई डोंट लाइक टू बी लाइक कि वो जितना जितना पढ़ा रहे हैं वहीं तक टिकी रहूँ. मैं हमेशा अपने हिसाब से भी बुक के टॉपिक्स को खुद से ही कवर करती हूँ. ठीक है, ये बात हो गई कि हमें पूछना है उसकी स्टडी के बारे में. नेक्स्ट है, आई हैव डन फ्रॉम द बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अ टू अ बिजनेस और एन एम्प्लॉय. आस्क हाउ दे हैंडल देयर वर्क. बिजनेस मैन अगर कोई आपके पास कोई आ रहा है, कोई एम्प्लॉय है, तो उनसे पूछो अपना काम कैसे हैंडल करते हो. इन दिस ट्राई टू सी वेदर द पेशेंट इज इंटेलेक्चुअली शार्प. पूछो, मतलब इस टाइम पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो. वो आपको बता देगा अरे मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मुझे काफ़ी मैनेज करना पड़ता है, तो आपको इसी चीज़ें पता चल जाएंगी. ठीक है, सो यू हैव टू ऑब्जर्व द इंटेलेक्चुअली शार्प, कॉम्प्रिहेंजन ईजी एंड रीडिंग डिजायर्स, शार्पनेस ऑफ माइंड और स्लो. वो बहुत शार्प है माइंड में या फिर स्लोली स्लोली वर्क कर रहा है, एडीओसी तो नहीं है पर्सन में, मिस्टेक्स मेक्स मैनी. ठीक है, बहुत गलतियाँ तो नहीं करता है काम करते टाइम, चाइल्डिश बिहेवियर तो नहीं, जरूरत सी बातों पर बिल्कुल गुस्सा होकर रूठ के बैठ जाना, आइडियाज़ डिफिशियंट ऑफ, हो सकता है उस पर्सन में आइडियाज़ ना हो. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट, कॉन्सेंट्रेशन करने में काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है. ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो जब कोई अपनी बिजनेस की बात बता रहा है, जब कोई बता रहा है कि हाउ दे हैंडल देयर वर्क. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे पेशेंट आपके साथ अभी भी खुलना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट है, आस्क हाउ गुड आर दे इन मेकिंग डिसीजन. आप डिसीजन लेने में कैसे हो. कैन दे टेक डिसीजन देमसेल्फ ऑन स्पॉट और डू
दे थिंक अ लॉट एंड देन डिसाइड कि क्या करना है. लाइक अगर कोई डिसीजन लेना हो तो आप तुरंत फटाक से कोई डिसीजन ले लेते हो, या फिर यू थिंक यार मैं टाइम है अभी टाइम लूंगा फिर उसके बाद डिसीजन लूंगा, तो ये चीजें पूछनी है. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द मोरल्स. मोरल्स इज कंसर्न विद द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन करेक्टर्स इन एक्सेप्टेंस टू रूल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल गुड मोरल्स लाइक एंजाइटी कंसाइंस ऑफ ओबीडियंस ऑब्सिक्वेंस रिवर्सेस एंड बैड मोरल्स लाइक इंसोलेंस गैम्बलिंग परवर्जन्स मोरल्स वॉन्ट ऑफ क्रुएल्टी. ठीक है, सो दीज आर द मोरल्स. नाउ नेक्स्ट अबाउट द ऑल्सो इन दिस ट्राई टू सी वेदर द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज कॉन्सियशियस और नॉन कॉन्सियशियस, डेलिजेंट और नॉन डेलिजेंट. तो अभी हमें यहाँ पर ये चीज़ को समझनी है. ये कैसे पता चलेगी, हमें पूछना होगा पेशेंट से, आस्क देम वेदर दे डू देयर वर्क और ड्यूटी वेन दे आर नॉट वेल और वाई. लाइक अगर हम बात करें ब्रायोनिया की या फिर रस्टॉक्स की, तो वो बीमार होते हैं एट दैट टाइम, वो तब भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, उनके दिमाग में बिजनेस चलता रहता है. एंड अगर हम बात करें सीपीआर की, तो वो एकदम से इंडिफरेंट हो जाएगी फ्रॉम देयर वर्क फ्रॉम देयर फैमिली फ्रॉम देयर लव वंस. सो ये चीज़ हमें पूछनी होगी पेशेंट से कि जब आप ठीक नहीं हो, लाइक अभी आपकी तबीयत खराब है तभी तो आप हमारे पास आए हो, तो उस टाइम पे आपका वर्क कैसा चल रहा है, काम कैसे कर रहे हो. इन स्टडीज ऑल्सो वे आर दे वेरी रेगुलर एट अ स्कूल कॉलेज और वाई. ठीक है, अगर बात है कि पढ़ाई की कॉलेज जाने की, तो आप कॉलेज रेगुलरली जाते हो या नहीं जाते हो, नहीं जाते हो तो क्यों नहीं जाते हो, और अगर जाते हो तो द रीज़न क्या है. नेक्स्ट इन फीमेल्स आस्क दे डू देयर वर्क इन स्पाइट ऑफ देयर कंप्लेंट्स. ठीक है, तो उनको पूछना है कि आप अपना काम ज़्यादा करते हो या फिर आप कंप्लेंट्स करते रहते हो. ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अबाउट दी मेमोरी. आस्क द पेशेंट हाउ गुड इज देयर मेमोरी पावर. उनसे पूछो आपकी मेमोरी पावर कैसी है. कैन दे ईजली रिकलेक्ट थिंग्स ऑफ पास्ट वेरी वेल. जो पास्ट में हो रखा है क्या उनको एकदम से आप ईजली याद कर लेते हो. हाउ गुड आर दे इन रिमेम्बरिंग नंबर्स एंड नेम. नंबर और नाम को याद रखने में आप कैसे हो. लाइक अगर हम बात करें लाइकोपोडियम की, तो लाइकोपोडियम जो है वो वर्ड्स भूल जाता है, नेम भूल जाता है. तो ये सब चीज़ें हम ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को मैच कर सकते हैं विद द मेडिसिन. ट्राई टू फाइंड एनी करेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द मेमोरी ऑफ द इंडिविजुअल. हेयर द फिजिशियन शुड ट्राई टू सी एनी पिक्यूलियर थिंग अबाउट द मेमोरी, लाइक मेमोरी एक्टिव और एनी फॉरगेटफुलनेस टेंडेंसी एंड वीकनेस ऑफ मेमोरी. तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है जब भी आप मेंटल सिम्टम्स लेते हो. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द विल. सो विल फैकल्टी बाय विच अ पर्सन डिसाइडेड ऑन एंड इनिशिएट एन एक्शन. विल का मतलब क्या है कि कोई चीज डिसाइड की और उसके लिए कोई एक्शन लिया. दिस इज द विल. विल ऑफ अ पर्सन कैन बी एलिसिटेड बाय आस्किंग द इंडिविजुअल व्हाट देयर रिएक्शन इज इन अ क्राइसिस एंड ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट मेजर डू दे टेक टू अवॉइड दोज क्राइसिस. लाइक अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप उस परेशानी को लेकर रोते रहते हो या फिर उसका सॉल्यूशन तुरंत ढूंढते हो और उस पर एक्शन करते हो. सॉल्यूशन ढूंढा, उस पर एक्शन किया, दिस इज विल. Trying to find out what measures do they take to avoid those crises, ask them that can they handle any responsibility given to them alone anytime. How confident are they in handling things alone? कुछ लोगों को अकेले काम करने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन उनको रहता है किसी के साथ में रहूंगा तो अच्छे से काम कर लूंगा. If something critical happens at home, how do they deal with that situation? अगर कुछ भी घर में कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आ गई तो आप उसका रिएक्शन कैसे करते हो. बहुत ज़्यादा परेशान होकर ऐसे तो नहीं लगता कि अरे मरी जाए ख़त्म करने ज़िंदगी. ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान देनी. यहाँ से आप उस जगह पे जाओगे जहाँ से आपको मेडिसिन डिफ्रेंशिएट करने को मिलेंगी. आर दे कैपेबल ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन अलोन और देयर आउटपुट इज मच सिक्योर्ड विद सम सपोर्ट, या फिर उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है हमेशा. ठीक है, लाइक जैसे हम बात करें एल्यूमिना की, सो एल्यूमिना वॉन्ट समवन सपोर्ट्स ऑलवेज. उसको लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम में किसी और को बता दूँ, नाउ आई एम फ्री, नाउ आई एम हैप्पी. ठीक है, नेक्स्ट है आस्क दैम इफ एनी इनजस्टिस और समथिंग इज रॉन्ग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ दैम दे दैन वॉट दे डू और हाउ डू दे रिएक्ट इट. लाइक इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट और कैन बी टॉलरेट. अगर हम बात करें लाइक कोल्चिकम की, सो कोल्चिकम में पेशेंट जो है, ठीक है, उसको क्या लगता है ऐसा
किसी के साथ भी ना कोई मतलब बुरी चीज ना हो, ठीक है, उसको इनजस्टिस देख नहीं मिलता है, इनजस्टिस देख लिया तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलचिकम में दिया हुआ है कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है उस मिसडीड से भी शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेयर, ट्राई टू सी वेदर द पर्सन इज स्ट्रांग विल्ड, उसकी स्ट्रांग विल है, जो सोचता है वो करके दिखाता है, करेजियस है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ डिपेंड है या किसी और पर डिपेंड रहता है, ऑप्टिमिस्टिक कितना है, परसिवरेंस क्या है, पॉजिटिविटी और वीक विल्ड है या फिर डिपेंडेंट रहता है, टिमिड है, पेसिमिट है, वेस्टफुल है, एम्बेरसमेंट तो नहीं है, एंड कॉडस मतलब कि डर तो नहीं है कि मैं अकेले कुछ ना करूँ, ये सब चीज़ें हमें निकालनी होगी पेशेंट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द नेचर और डिस्पोजिशन। ओके सो गाइज, आर यू एंजॉइंग दिस सेशन? प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग। लाइक अगर मैं ये पक पक करती रहूँगी तो इट्स नॉट गुड, लाइक आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं तो आई फील कि यू ऑल आर इंटरेस्टेड विथ इट। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट द नेचर और डिस्पोजिशन। तो यहाँ पर कौन सी अलग अलग टाइप की डिस्पोजिशन देखने को मिलेगा हमें, एंग्री, माइल्ड, ईल्डिंग, वीपिंग, एलेंस में दिया हुआ है सरफराज कोलचिकम के बारे में, एंग्री, माइल्ड, ईल्डिंग, वीपिंग, हॉटी, टेमेड, सार्कास्टिक, कंटेप्टस एंड एप्रीहेंसिव, फियरफुल, लोक्वेशियस, क्वाइट, कंटेंटेड और डिसकंटेंटेड, क्वेलसम, फाइटर, रिवोल्टर, ओ थैंक यू एंड इनडिफरेंट। तो ये अलग अलग तरीके की डिस्पोजिशंस हैं, तो इनसे हम मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं, किसी का नेचर जानना है तो हाउ यू फ्रेम द क्वेश्चंस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पर आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको पेशेंट से किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है या दैट्स गुड, लॉकडाउन में स्टडी हुई है या, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आस्क देम अबाउट देयर नेचर विथ आस्क देम अबाउट देयर नेचर विद पीपल अराउंड देम, उनके आसपास जो लोग हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, और ये बात आप मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट एक्यूरेट आपको नॉलेज मिलेगी जब आप अटेंडेंट से बात करोगे, लाइक उसकी वाइफ से, उनके बच्चों से, तब आपको पता चलेगा कि इनका बिहेवियर कैसा रहता है घर में, है ना। डज ही इज मोर ऑन एंग्री साइड और टूवर्ड्स काम इन साइड, वो अंदर से शांत है और बाहर से एग्रेसिवनेस दिखाते हैं। वेन एवर दे गेट एंग्री हाउ दे बिहेव विद दोज हु आर इन फ्रंट ऑफ देम, जब उनको गुस्सा आता है तो सामने वाले पर कैसा रिएक्शन करते हैं, लाइक चुप होके बैठ जाते हैं, हेलो निशांत, राधे राधे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है, विच इज द थिंग और एक्ट विच दे कांट टोलरेट इन देयर सराउंडिंग, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पेशेंट से पूछना है कि अगर आपके पास आस पास ऐसी क्या चीज़ जो आपसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती, ठीक है, लाइक किसी साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, इससे इससे अपने अंदर एलिमेंट्स बनने लगे। एंगर इज एक्सप्रेस्ड और सप्रेस्ड, गुस्सा आता है तो एक्सप्रेस कर देते हो या फिर सप्रेस कर देते हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सप्रेस कर भी अगर एक्सप्रेस किया भी है तो किस फॉर्म में कर रहे हो, वर्बली फॉर्म में मतलब कि बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, या फिर फिजिकली, ठीक है, ये चीज़ें फेंकना, अपने आप को मारना, किस तरीके से अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हो, ये चीज़ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, कैन दे एक्सप्रेस देयर एंगर इन फ्रंट ऑफ एवरी वन इवन टू देयर एल्डर्स, वो अपना गुस्सा बड़े लोगों के सामने निकाल लेते हैं या फिर अपने से छोटे लोगों के सामने गुस्सा निकालते हो। आस्क विथ हुम सो दे गॉट एंग्री, दे कीप देयर रिलेशंस विथ देम, ठीक है। नाउ डू दे कीप थिंकिंग ऑन द इशू फॉर विच दे गॉट एंग्री, ये चीज पूछनी है। नेक्स्ट, कैन दे फॉरगिव दोज पीपल हु हैव हर्ट देम और दे विल कीप ग्रजेस फॉर देम, तो हमें उनसे पूछना है कि अगर आपको किसी ने कभी हर्ट किया तो क्या करते हो आप, उसको वहाँ पे माफ कर देते हो या फिर आप सोचते रहते हो, ठीक है। नाउ विल दे टेक रिवेंज व्हेन ऑफेंडेड, वो रिवेंज लेते हैं, जैसे कि हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड में रिवेंज फुल फीलिंग है कि उसको रिवेंज लेना ही रहना है क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। नेक्स्ट है, आस्क देम हाउ आर दे सीन एज अ पर्सन इन देयर सोसाइटी इमेज अमंगस्ट देयर फ्रेंड्स, कि उनके फ्रेंड्स के सामने उनकी क्या इमेज है, ऐसा तो नहीं है कि आप लालची हो या फिर बहुत गुस्से वाले हो, किस तरीके की इमेज है ये पूछनी है।
इमेज अमंग्स दी कलीग्स, इमेज अमंग्स द रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के सामने आपकी क्या इमेज है और वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में, टू रूडनेस, क्रिटिसिज्म, रिलेशनशिप, सोशल पोजिशन, मनी, एडमोनिशन, एप्रिसिएशन, ईगो, इनजस्टिस, तो ये सारी सेंसिटिविटी है। अब हम इनसे पूछना कैसे है, आई थिंक नक्स में भी, नक्स में इतना इतना मार्क्ड नहीं है नक्स में रिवेंज, क्योंकि मेनली मैं एलेंस की नोट पर ही अभी ध्यान दे रही हूँ, और एलेंस की नोट पे अगर आप नाइट्रिक एसिड को खोल कर देखोगे, लाइक जब भी हम कोई सेशन करते हैं तो प्लीज ओपन योर बुक्स, लाइक ऐसे खाली फोन लेके मत बैठो, बिकॉज वी आर डूइंग ए स्टडी, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे फालतू बिना बुक के थोड़ी बैठ सकते हैं। सो लाइक आई वॉन्ट कि आप में से जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, प्लीज ओपन योर नाइट्रिक एसिड इन योर बुक एंड स्पेशली इन दी एलेंस की नोट, बिकॉज एलेंस की नोट में बिल्कुल मेन मेन चीज़ें दी जाती हैं। सो जब आपको इसका मेंटल जर्नल मिलेगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मेंटल जर्नल लिखा है, इरिटेबल, हैड अ स्ट्रॉन्ग, हेटफुल, विंडिक्टिव, इनविट्रेट, इल विल्ड एंड अनमूव्ड बाय एपोलॉजीज। तो अभी हमने पढ़ा था इल, हमने पूछा था कि विल कैसी है, हमें पूछनी होती है पेशेंट से, तो यहाँ पर देखो नाइट्रिक एसिड में कैसी विल है, इल विल्ड, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, आस्क वॉट इन देयर एक्शन व्हेन समवन टॉक्स, उनका एक्शन क्या होता है जब कोई उनसे बात करता है, स्पीक्स टू दैम रूडली और एरोगेंटली, वो उससे उनसे बात करते हैं रूडली या एरोगेंटली तो बात नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पूछना है, हेलो हेलो हेलो, दो मिनट के लिए मेरा थोड़ा सा नेट डिसकनेक्ट हो गया था, तो दैट्स वाई कुछ दिख नहीं रहा था मुझे कि क्या आवाज़ कुछ आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। हाँ, अभी अभी वॉइस आ रही है, सफराज टेल मी, दो मिनट के लिए नेट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स वाई इट हैपन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट इट और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस, प्लीज टेल मी अगर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है तो। चलिए हम शुरू करते हैं सेंसिटिविटी को पढ़ना, हम सेंसिटिविटी पे ही थे, हम पढ़ रहे थे रूडनेस, क्रिटिसिज्म, रिलेशंस एंड सोशल पोजीशन, मनी, एडमोनिशन, एप्रिसिएशन, ईगो एंड इनजस्टिस, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये सब क्या है, अच्छा अभी आ रही है तो ठीक है, एडमोनिशन, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ये एडमोनिशन का मतलब क्या होता है, लाइक अगर आपको आपके बिहेवियर पे काफ़ी बार ऐसा पता चलता है कि या तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, या तुम्हें बहुत सारे अगर वार्निंग्स मिली हैं, दैट इज एडमोनिशन, ठीक है। मनी के लिए क्या सेंसिटिविटी है, अगर कोई कहता ना कि ये तुम्हारी चीज़ बहुत बेकार है, ठीक है यार तुम मतलब तुम्हारा बिहेवियर बहुत गंदा है, तो उसके लिए आपका आपका रिस्पांस क्या होगा, व्हाट इज़ योर सेंसिटिविटी टू दैट एडमोनिशन, या फिर एप्रिसिएशन अगर मिल रहा है तो उसमें आपका क्या सेंसिटिविटी रहती है, कि एप्रिसिएशन का तो बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ जाएंगे या फिर नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, आगे हम बढ़ते हैं, हमें पूछने क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या पूछने। सरफराज आपने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ एडमोनिशन, तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू, आगे बढ़ते हैं। आस्क वॉट इज देयर रिएक्शन व्हेन समवन टॉक्स स्पीक्स टू दैम रूडली और एरोगेंटली, अगर उनसे कोई बहुत बदतमीज से बात करता है तो वॉट इज देयर रिएक्शन, कुछ लोग लड़ने बैठ जाएंगे, कुछ लोग मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। आस्क हाउ डू
दे रिएक्ट वेन समवन पॉइंट्स आउट और क्रिटिसाइज इन द वर्क. जब उनके काम में कोई बार बार कहता है ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, जिसे इसे हम कहेंगे एडमोनिशन, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन होता है, कि खुद ही कर लो या फिर चुप होके बस सुनते रहते हो? ठीक है, नेक्स्ट है, सेम वे ट्राई टू फाइंड आउट हाउ डू दे गेट अफेक्टेड और सेंसिटिव टू रिलेशंस. सोशल पोजिशन से उन्हें कितना फ़र्क पड़ता है, उनको पैसे से कितना फ़र्क पड़ता है, उनको इनजस्टिस से कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होगी. अभी हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द इमोशनल. अगर हम इमोशनल की बात करें तो वेदर इट इज़ ए सेंटिमेंटल, ग्रीव, सिंपैथी चाहिए, अफेक्शनेट है, रेज है, जेलसी है. ठीक है, जैसे कि हम देखें जेलसी आपको मिलती है एपिस मेलिफिका में. अगर आपके पास अभी एलन्स की नोट है तो ओपन योर एलन्स की नोट एंड टेक चेक इट. आपको मिलेगा एपिस मेलिफिका में लिखा हुआ जेलसी से उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है. या देखो एपिस में दिया हुआ है एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, तभी मेडिसिंस निकल के आएंगी. बात समझ में आ रही है सबको? आस्क देम देयर रिएक्शन व्हेन एवर एनीथिंग हैपेंस अगेंस्ट देयर विश. जब उनकी विश उनके विल के अपोजिट कुछ हो जाता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है? बहुत दुखी होकर बैठ जाते हैं या फिर बहुत गुस्सा आता है, क्या चीज़ होती है? आस्क अबाउट देयर इमोशनल सेंसिटिविटी. उनकी इमोशनल सेंसिटिविटी के बारे में पूछना है कि किसी के साथ कुछ हो गया तो क्या इमोशनल सेंसिटिविटी क्या रहती है. डू देयर हेल्प पर्सन हु कम टू देम फॉर हेल्प और दे देम सेल्फ गो टू द नीडी पर्सन. ठीक है, वो उनकी हेल्प करते हैं जो उनके पास आएंगे हेल्प के लिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, या फिर वो उन लोगों की भी हेल्प करते हैं जो कि नीडी हैं, जिनकी जिनको ज़रूरत है, सिर्फ उनकी मदद बिना उनके कहे कर देते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देती हैं अबाउट द पेशेंट. नेक्स्ट, आर दे वेरी मच इन्वॉल्व इन चैरिटी वर्क? क्या वो चैरिटी वर्क में बहुत इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व है तो रीज़न क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि वॉट इज़ द रीज़न कि यार अगर इतना चैरिटी वर्क कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है. ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, जब भी कोई कुछ कह रहा है ना कि हमने ऐसा किया है तो ऐसा क्यों किया है, फाइंड आउट द रीज़न. डू दे गेट ईजली अफेक्टेड वेन दे सी समवन इन पेन इन फ्रंट ऑफ दैम? इफ यस, देन वॉट इज़ देयर रिएक्शन? लाइक अगर आपके सामने कोई बहुत दुख है, दर्द में है, तो वॉट इज़ योर रिएक्शन? क्या फ़र्क पड़ता है आप पे, ये चीज़ें हमें पूछनी है. नेक्स्ट इज एंटी. और पता है एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, जैसे हम कहते हैं ना कि मेंटल्स की वजह से फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, जैसे कि होता है कि अगर किसी के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, जैसे कोल्चिकम में दिया हुआ है कि कोल्चिकम में इससे एक जो पेशेंट है उसकी एलिमेंट शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें? जब हम पूछ रहे हैं उसके मेंटल्स और हमें लग रहा है कि उसने बताया है कि ऐसा 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 उसका हुआ था तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, तो हमें पूछना है कि अभी ये जो आपको प्रॉब्लम है उससे पहले ये प्रॉब्लम थी या उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है. ठीक है, तो आप एक एग्जैक्ट कॉज पे जा सकते हो ना, निकाल सकते हो कि भाई कब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है. ठीक है, नेक्स्ट बात आती है एंटिसिपेशन एप्रीहेंसन, दैट इज एंजाइटी की. अटैचमेंट हम कवर करेंगे, फिर फियर्स. चाइल्डहुड हिस्ट्री हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है, अभी हम बात करते हैं एंटिसिपेशन एप्रीहेंशन और दैट इज एंजाइटी की. सो एंटिसिपेशन की अगर हम बात करें, आई एम गुड समीर, हाउ आर यू? सो अगर हम बात करें यहाँ पर एंटिसिपेशन की, सो एंटिसिपेशन की बहुत दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दैट इज दी जेलसीमियम एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम. हेयर आस्क पेशेंट इफ एनी न्यू वर्क इज सेट टू देम और समथिंग विच इज न्यू फॉर देम, आस्क टू वी डन हाउ कॉन्फिडेंट आर दे इन एक्सेप्टिंग दैट वर्क, वॉट थाट्स कम टू देम. अगर किसी को कोई ऐसा काम मिल गया जो कि उनके लिए नया है तो उनका क्या रिएक्शन होता है, वो किस तरीके से उस काम के साथ डील करते हैं. इफ़ यू सपोज टू रीच एट अ प्लेस एट अ गिवन टाइम, देन डू यू रीच ऑन टाइम और गेट लेट और रीच बिफोर टाइम ओनली? तो आपको पूछना है कि अगर आपको कोई कहे कि इस टाइम पर आना है वहाँ पर, ठीक है 10 बजे की क्लास है, तो आप टाइम से पहले पहुँच जाते हो 9:45 पे, या फिर हमेशा लेट पहुँचते हो, या फिर ऑन टाइम पहुँचते हो? ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पूछनी है. नेक्स्ट, इफ़ यू आर टोल्ड दैट सम गेस्ट आर कमिंग एट योर प्लेस, सो हाउ डू यू मैनेज? ऐसा तो नहीं है कि बहुत हड़बड़ी में हो जाते हो कि अरे अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. ठीक है, इसे कहते हैं एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है बट समझ में नहीं आता.
या इट्स ऑल्सो इन कॉस्टिकम. अभी हम उसके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है नेक्स्ट है इन एंजाइटी ट्राई टू सी एग्जैक्टली फॉर विच द पेशेंट इज मोर वरीड. कि किस चीज़ के लिए एंजाइटी की हम बात करें तो किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, लाइक हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, दूसरों के लिए, फ्यूचर के लिए. एंड एंजाइटी ट्रेफल्स अबाउट किस चीज़ के लिए है, एंजाइटी एंटीसिपेटिक इंगेजमेंट, एंजाइटी सेलिवेशन एंड एंजाइटी कॉन्साइज. इट इज़ अ फीलिंग ऑफ गिल्ट कॉन्साइज और फीलिंग वेयर वन ब्लेम्स देमसेल्फ फॉर सम सिन और बैड थिंग हैपेंड ऑफ अदर बिकॉज ऑफ दैम. ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में क्या होता है कि जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैं गलत थी, मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई, दैट इज नोन एज अ एंजाइटी. समीर, दिस टाइम आई मेनली फोकस ऑन द केस टेकिंग, आई टेल यू लेटर, बट अभी हम सिर्फ यहाँ पर ध्यान देंगे. ठीक है, एंजाइटी कॉन्साइज का मतलब क्या है कि पर्सन जब खुद को अपने आप बार बार ब्लेम करने लगता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अटैचमेंट के बारे में. आस्क हुम दे आर दे मोस्ट अटैच्ड. लाइक मैंने एक पेशेंट देखा था, वो बहुत अटैच था विद योर दादी. तो हमेशा हमारी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं. ठीक है, या आई डू कंटिन्यू. गाइज, डू यू वॉन्ट दैट चिल्ड्रन हिस्ट्री भी हम इसी पूरे सेशन में ले लें, ये चाइल्ड हुड हिस्ट्री जो हमें लेनी है, या फिर हम नेक्स्ट सेशन में करें? प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. टिल देन वील कंटिन्यू विद इट. आस्क हुम आर दे मोस्ट अटैच टू, आस्क देम विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैम इन देयर लाइफ. उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, करियर या फिर फैमिली? फैमिली को अगर छोड़ना पड़े करियर के लिए तो क्या छोड़ दोगे? तो ये चीज़ें पूछनी है. ओके, नेक्स्ट सेशन में करते हैं फिर, बिकॉज आज हम सिर्फ एक अलग सेशन हो जाएगा अबाउट दी सिर्फ मेंटल सिम्टम्स, फिर एक में हम चाइल्डहुड हिस्ट्री कैसे लेनी है वो हम रख लेंगे. ठीक है, वो करियर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं या फैमिली को या फिर फ्रेंड्स को, बिजनेस को, नेम, फेम, मनी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट पर्सन? ठीक है, लाइक अगर हम बात करें ऑरम मेटालिकम की, तो ऑरम मेटालिकम का क्या है कि इज्जत, इज्जत बहुत कुछ है. ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंस रखी जाती है कि पर्सन किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है. आस्क देम व्हेन एवर दे आर इल और नॉट फीलिंग वेल, एंड पीपल अराउंड देम लाइक फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव फ्रेंड्स आस्क अबाउट देयर हेल्थ, देन व्हाट दे फील. अगर कोई किसी से तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो परेशानी है, वो कैसी है, ठीक है या नहीं है, तो उससे आप क्या फील करते हो? कॉन्सोलेशन है या फील करते हो, या सिंपथी की डिज़ायर होती है, या फिर प्रॉब्लम एग्रवेट हो जाती है? जैसे अगर हम बात करें नेट्रमियूर की, तो नेट्रमियूर में एग्रवेशन बाय कॉन्सोलेशन है. अगर हम बात करें पल्सेटिला की, तो एमोलेशन बाय कॉन्सोलेशन है. ठीक है, इफ़ द फैमिली मेंबर फॉर एग्जाम्पल एनी वन ऑफ द पेरेंट्स और सिबलिंग और चिल्ड्रन गेट्स अनवेल, देन हाउ टू दे रिएक्ट? अगर घर में कोई बीमार है तो आप कैसे रिएक्शन करोगे? डू दे शो कंसर्न? आप कंसर्न शो करोगे या फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आज द क्वेश्चन टू द अकम्पनिंग पर्सन विद पेशेंट, ट्राई टू सी मच ही एंड शी इज अफेक्शनेट, केयरिंग, कंसर्न, इंडिफरेंस टू देयर लव वंस. ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि अभी ये सीपिया है या फिर कोई और है. चलो, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइल्डहुड हिस्ट्री के बारे में इन द नेक्स्ट सेशन. आई होप गाइज यू विल एंजॉय दिस सेशन. इफ़ यू एंजॉय देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बहुत सारे होम्योपैथी ग्रुप से जुड़े होंगे, सो ट्राई टू शेयर माई वीडियो इन दैट होम्योपैथी ग्रुप एटलीस्ट इन वन प्लीज़, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एंड गाइज, फाइनली मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये जो भी मैं आजकल आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रही हूँ, दिस इज़ ऑल फॉर द बिगनर्स. ठीक है, जो लोगों ने बिल्कुल शुरुआत की है, जिनको बेसिक जानना है, ये उनके लिए है. अगर हम बात करें कि जो रियलिटी में होम्योपैथी जो प्रैक्टिस होती है, उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं. ठीक है, या इसीलिए मैंने सोचा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा. सो गाइज, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद दोज जो कि अभी बिगनर्स हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेशन में करते हैं. सो टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर.